अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार से मटन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। खाने में भी ये ऐसे ही बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ले ली हूँ प्रेशर कुकर। इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें। प्याज ले ली हूँ 5 मीडियम साइज़ का। इसे काट ली हूँ पतला पतला। इसे डाल दूँगी और बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसे भुनना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना है। तो बस चलाते हुए थोड़ा देर भून लूँगी। और ये देखिए हल्का सा सॉफ्ट हो गया ये। तो अच्छे से चला लूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें गोश्त। तो 1 किलो गोश्त लेकर उसे धो ली थी, साफ़ कर ली हूँ अच्छे से। और अब मैं डाल दूँगी इसे। तो आप यहाँ पर चाहे तो बड़े का भी गोश्त ले सकते हैं या फिर मटन, आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद हो ले सकते हैं। मिला लूँगी इसे अच्छे से। और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भुनने के बाद इसमें डाल ली हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ, इसे डाल दूँगी। साथ में नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो 1 बड़ा चम्मच नमक डाल ली हूँ। अच्छे से मिला लूँगी। गैस के फ्लेम को यहाँ पर तेज़ ही रखी हूँ। तेज़ आँच पे इसे थोड़ा देर भून लूँगी, लगभग 2 से 3 मिनट तक और भून ली हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आधा छोटा चम्मच डाल ली हूँ इसमें हल्दी पाउडर। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मिला लूँगी इसे अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। तो 1/2 कप के करीब मैं पानी डाली हूँ। मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। तो यहाँ मैं ले ली हूँ 5 टमाटर, लगभग 300 ग्राम के करीब में हैं। इन सबको काट ली हूँ इस तरह से, देखिए कट लगा ली हूँ टमाटरों में। इसे डाल दूँगी मैं। तो सारे टमाटरों को डाल देना है। कुकर का ढक्कन बंद करके 8 से 10 सीटी लगने तक इसे पका लेंगे। अगर बड़े का ले रहे हैं तो 15 से 16 सीटी लगने तक पका लीजिएगा। तो बंद कर दी हूँ। और अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ कढ़ाई। इसमें डालूंगी मैं कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ मैं 6 सूखी लाल मिर्च ले ली हूँ। 2 बड़े चम्मच डालूंगी इसमें धनिया। इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है। तो अभी गैस बंद है। 1 छोटा चम्मच डाल दी हूँ जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 छोटा चम्मच डाली हूँ इसमें काली मिर्च। इन सबको हल्का सा भून लेंगे। तो गैस को चालू कर दी हूँ और लगातार चलाते हुए बस इनको हल्का सा खुशबू आने तक रोस्ट कर लेंगे। और बढ़िया सा भुन चुका है हमारा मसाला। गैस को बंद कर दी हूँ। इसे निकाल के ठंडा कर लूँगी। उसके बाद इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए पाउडर तैयार है। इसे साइड में रखूँगी। और लगभग 9 से 10 सीटी लगने के बाद गैस को बंद कर दी थी और कुकर को खुद से ठंडा कर ली हूँ। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल गया है। और साथ में टमाटरों की भी हालत देख सकते हैं। तो इसकी जो स्किन है उसे हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल जाता है। तो सारा स्किन निकाल लेंगे सारे टमाटरों का। ये देखिए निकाल ली हूँ। और अब मैं गोश्त को कढ़ाई में पलट ली हूँ। आप चाहें तो आगे का प्रोसेस कुकर में ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में पलट ली हूँ। जो टमाटर हैं उन्हें हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो इस तरह से मिला ली हूँ टमाटरों को और बढ़िया से ये मैश हो चुका है। इसमें डाल दूँगी मैं जो हमने पाउडर मसाले बनाकर रखा हुआ है, उसे सारा डाल देंगे और मिलाकर 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे मीडियम आँच में। और लगभग 4 मिनट हो चुके हैं मीडियम आँच पे इसे पकते हुए। अब मैं डालूँगी इसमें दही। तो एक बार चला ली हूँ अच्छे से। और 1/2 कप दही ले ली हूँ। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। लो फ्लेम पर ही दही डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। तो अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसे पका लेंगे मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक। अब हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। और बहुत अच्छे से हमारा जो मटन कढ़ाई है वो बन के तैयार हो चुका है। एक बार मिक्स कर लूँगी। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। इसकी ग्रेवी देख सकते हैं आप। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा हरा मिर्च। 4 हरा मिर्च लेकर उसे बीच से कट लगा ली थी, इसे डाल दी हूँ। साथ में हरा धनिया डाल दूंगी। तो मिर्ची डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको तीखा पसंद हो तो ही डालें। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटन कढ़ाई बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसे निकाल ली हूँ मैं। आप इसे रोटी, नान या फिर चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है ये। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।